नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक के जड़वा गांव में। और जड़वा गांव में आज एक वीर शहीद सैनिक की जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, उनके सम्मान में किस प्रकार जो हुजूम हो रहा है, भारी संख्या में क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले के और बाहर अन्य जिलों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पीछे सब तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है शहीद NSG कमांडो महेश सिंह शेखावत की जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राजकीय सम्मान के साथ गांव में जाकर अब उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं चारों तरफ जो हम लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक वीर शहीद और सैनिक के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान होता है, आम जनता के मन में सेना के प्रति जो भाव होते हैं, आदर भाव के, सम्मान के, उसी के बदौलत जो है ये लोग आज यहाँ मौजूद जोश से लबालब है और जो देशभक्ति के नारे लगाते हैं लगातार जो है पिछले आधे घंटे से लगातार इसी प्रकार पैदल चल रहे हैं लोग महेश सिंह शेखावत, शहीद महेश सिंह शेखावत के सम्मान में। और तमाम जो बाइकें भी जो है उनके सम्मान में उनके साथ साथ चल रहे हैं। पीछे कहूँगा विनय सिंधु से, पीछे दिखा दीजिए लोगों की जो है भारी संख्या अपने प्रिय जो है शहीद महेश सिंह शेखावत NSG कमांडो के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। उससे पहले गाँव में भी भारी संख्या में जो लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं कि हम भी अंतिम दर्शन उसके कहीं ना कहीं हम भी जो है नमन कर सकें ऐसे वीर सपूत को। और कहीं ना कहीं आज जड़वा के लोग अपने आप को दुखी भी हैं और कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार जो है गाँव के दर्शनी है वीर सपूत निकलते हैं जो गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का भी नाम रोशन करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी शहादत की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देते हैं। और हम आपको बताते चले, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, शहीद महेश सिंह शेखावत जो NSG कमांडो है अमरनाथ यात्रा में अपनी ड्यूटी पर थे, जिसके दौरान कुछ होता है और वो अपनी जो है शहादत दे देते हैं जिसके चलते। और जहां तक बात की जाए लोगों की, तो एक भारतीय सेना के प्रति और सेना के जवान वीर सैनिकों के प्रति इतना सम्मान जो है लोगों के अंदर जो भारी संख्या में, सिर्फ यहीं के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से लोग यहाँ मौजूद हैं अपने प्रिय शहीद महेश सिंह शेखावत के अंतिम दर्शन के लिए। आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करवाएंगे जो है किस प्रकार शहीद हुए हैं, सारी बातचीत करेंगे। अभी हम शहीद सैनिक महेश सिंह शेखावत के निवास स्थान पर मौजूद है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को जो लाया गया है, क्योंकि धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन किए जाते हैं परिवार के लोगों द्वारा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माताएं और घर की जितनी महिलाएं होती हैं द्वारा अंतिम दर्शन किए जाते हैं। साथ में फिर कहना चाहूँगा कि तस्वीरें ऊपर देखिए, दीवारों पर, छतों पर भी जो है युवा साथी लोग चले गए हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए लोगों में इतना उत्साह है, क्योंकि जहाँ तक सेना की सैनिक की बात आती है तो लोगों में अपने आप जो है देशभक्ति की भावना उमड़ने लगती है। तमाम पूरे हरियाणा से आए हुए जो बाहर के लोग हैं सभी वहाँ पर अंतिम दर्शन करेंगे। उससे पहले ये जो उनके निवास स्थान की तस्वीरें साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार युवा जो है दीवारों पर, छतों पर चढ़े हुए हैं, क्योंकि सभी अंतिम दर्शन के लिए इच्छुक हैं कि ऐसे वीर सपूत, वीर शहीद के हम भी अंतिम दर्शन करके कहीं ना कहीं धन्य हो जाए, उनसे प्रेरणा मिले। और लगातार जो है सतनाली जो कल रात को ही जो अंतिम जो पार्थिव शरीर को ले आया गया, लेकिन रात हो जाने के कारण, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म के अनुसार रात के समय अंधेरे में जो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए पार्थिव शरीर को सतनाली में रखा गया था पूरी निगरानी में उनके बटालियन और पुलिस प्रशासन द्वारा। और आज सुबह समय के अनुसार जो है पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा निकालते हुए सतनाली से यहाँ तक लाया गया। तमाम जो है लोग पैदल जो है उनके साथ यात्रा में चल रहे थे, पूरे जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, जोश से ओतप्रोत जो है तमाम लोग जोश से देशभक्ति के नारे उद्घोष लगाते हुए आ रहे थे। और आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जो है परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं तमाम जो यहां पर आ चुकी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माताएं हैं, उनके बच्चे हैं, जो अंतिम दर्शन के लिए सभी जो पारिवारिक सदस्य बारी बारी आ रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं शहीद NSG कमांडो महेश सिंह शेखावत के। और कहीं ना कहीं हर सब दुखी भी है, क्योंकि अपने घर से एक लाल चला जाता है, वीर सपूत चला जाता है, दुख क्यों ना हो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि
वो सैनिक होते हैं जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, जो देश की 140 करोड़ जनता के लिए, आबादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। कहीं ना कहीं उनको दुख नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर करके गया है। अमरनाथ यात्रा में अपनी ड्यूटी के दौरान जो है उनके साथ कोई समस्या होती है जिसके दरमियान शहीद हो जाते हैं, लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा, निवास स्थान पर पहुंचा है और अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। गांव की और परिवार की महिलाओं द्वारा, पारिवारिक सदस्यों द्वारा जो है उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। तो जड़वा गाँव में सुबह से लगातार मौजूद हैं और जिस प्रकार हमने दिखाया, शहीद एनएसजी कमांडो महेश सिंह शेखावत जी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है गांव में। घर पर सबसे पहले जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार महिलाओं ने दर्शन किए, अंतिम दर्शन किए हैं। उससे पहले जो अंतिम यात्रा निकाली गई, तमाम जो पूरे हरियाणा से लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। और अब भी दिखा दीजिए, मैं विनय सिंधु से कहूँगा एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ किस प्रकार जो है महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग, युवा हुजूम उड़ा हुआ है। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना इस प्रकार जो कूट कूट के भरी, अपने वीर सैनिकों के प्रति, भारतीय सेना के प्रति ऐसी भावना, और कहीं ना कहीं गांव के लिए भी गर्व का क्षण है, लेकिन एक कोने में कहीं ना कहीं मलाल जरूर रहता है क्योंकि अपना एक जोशीला युवा हमारे बीच नहीं रहा, एक दुख जरूर रहता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम जो बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं इनसे भी। जी क्या नाम है? कैलाश पाली। कैलाश जी आज मौजूद हुए अंतिम दर्शन के लिए, आप भी क्या कहेंगे? ऐसे जो है युवा अन्य जो समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हैं ये क्षण, हालांकि युवा जो है सैनिक हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए, अमर हो गए, लेकिन युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जरूर रहे हमेशा के। शहीद महेश को सत सत प्रणाम। एक बड़ा ही दुखद क्षण है, लेकिन गर्व भी है कि उन्होंने इस भारत की मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। और ऐसे ये भारत की परंपरा है, यहाँ बलिदानी परंपरा है, और इस गांव के लिए भी एक बहुत ही गर्व का क्षण है। लेकिन जिस प्रकार से एक युवा की शहादत होना तो वो कहीं कहीं में गमगीन भी करता है, इस गम के क्षणों में मैं शहीद महेश को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो अश्रुपूरित नैनों से हजारों की संख्या में यहाँ व्यक्ति आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम विदाई देने के लिए, इस मिट्टी पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे शहीद इस इलाके में हुए। और वैसे तो ये भूमि भी, ये इलाका शहीदों का इलाका है, लेकिन पुनः मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी क्या कहेंगे? प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री भाई भी हमारे साथ मौजूद, जी क्या कहेंगे राजू जी? इस समय कहने को तो क्या बात है, हमारा लाडला महेश जो प्रेरी बनकिन अमरनाथ के पहाड़ शिव के धाम पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, हमारे लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा, हाँ लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा कर रहा था, और वहाँ अकस्मात ये बर्फ का पहाड़ टूटने हुई है, इसके लिए बहुत बड़ा दुख भी है और गर्व हमारे को, ये हमारे देश का प्रहरी शिव स्थान पर रक्षा कर रहा था, इसीलिए हमारे को गर्व भी है। जी क्या कहेंगे बच्चों जी? मैं मास्टर राय सिंह शेखावत, एक सरपंच जड़वा, ये लड़का हमारे 10+2 जड़वा स्कूल से किया है, बहुत ही मेहनती लड़का था, इनका परिवार है बहुत ही ईमानदार मेहनती हैं, इनके दो भाई मिलते में थे। और रही हमारा गांव है, ये फौजियों का गांव है, हर घर से 3 या 4 आदमी फौज के अंदर हैं। मैं जो ये बलिदान देश के लिए बलिदान दिया है, ये हमें गौरव की बात है। वैसे हमें दुख ही महसूस ये होता है कि छोटे बच्चे थे, एक लड़का है एक लड़की है, वो छोड़ के चले, इसलिए दुख है, लेकिन देश के लिए बलिदान हुआ है, ये हमें गौरव की बात है। लेकिन शहीद परिवार के लिए प्रत्येक ग्रामवासी हमेशा तत्पर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी, प्रत्येक सुख दुख में हमेशा साथ, हाँ हम साथ रहेंगे, पूरा गाँव इनके साथ है जी। हाँ जी क्या कहेंगे बलि शेखावत जी? बहुत ही दुखद घटना है, इससे ही फौज में जाने के लिए आतुर रहते हैं, हमारे बच्चे पूरी तैयारी करते हैं, हमारे इलाके से बहुत शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा जब भी कभी लड़ाई हुई है तो हमारा इलाके ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और हमारा इलाका हमेशा पुलिस वगैरह जाने की बजाय हमारे जो 22 गांव हैं वो फौज में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, इसलिए हम तो भाई आज क्या बताएं, हमारा आज बड़ी दुख की घटना है, हमारा लाडले आज शहीद हुआ जी।
तो तमाम जो लोग दुखी भी हैं लेकिन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें गर्व भी है, क्योंकि हमारा जो गांव का लाल है, देश के देशवासियों की हजारों लाखों श्रद्धालुओं की जो रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो एक अकस्मात दुर्घटना थी जिसमें उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन ऑन ड्यूटी अपने जो है ड्यूटी कर रहे थे, हजारों लाखों श्रद्धालुओं की जो है रक्षा में वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अमरनाथ की जो है यात्रा के दौरान जो ड्यूटी लगती है, एन कमांडो महेश शेखावत जी जो है जड़वा गांव से थे, बातचीत करवाने कोई क्षण नहीं है, लेकिन बस हम यही दिखाने के लिए मौजूद हैं क्योंकि जड़वा और सतनाली क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिला अक्सर बोला जाता है फौजियों का गढ़ बोला जाता है, और यहाँ पर देश के प्रति, भारतीय सेना के प्रति और सेना के जो जवानों के प्रति लोगों के अंदर कितनी जो है देशभक्ति की भावना है वो दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। जड़वा गाँव के सरपंच हमारे साथ मौजूद जी, क्या नाम है? जगदेश सिंह। आप भी फौजी हैं? फौजी। तो एक फौजी की भावना तो आप बहुत अच्छे समझते हैं, आप भी पूरा फौजी हैं। मेरे गांव में आज तक नहीं हुआ था, वर्ल्ड वार होली 65, 62, 71, 99 सब होली, कोई नहीं हुआ, अभी पहला केस है जी। बहुत दुख है मेरे गांव को, पूरा एरिया को दुख है। दुख भी है लेकिन गर्व भी है, क्योंकि गर्व देश की, देशवासियों की गर्व भी, सेवा करते हुए, रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए हम प्राण त्याग। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान? हाँ, कश्मीर में। तो कौन सी उसमें रेजिमेंट वगैरह में थे कुछ बता सकते? 79 सीआरपी में कमांडो, सीआरपी कमांडो, सीआरपीएफ कमांडो 79 बटालियन में ये मौजूद थे। तो जो तमाम इनके जो साथी थे बटालियन के वो भी यहाँ मौजूद हैं, आए हैं साथ के आए, और जो है पुलिस प्रशासन, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी आया, पूरा पूरा सहयोग, पूरा सहयोग। तो कहीं ना कहीं ये फौजियों की जो है धरती बोली जाती है, फौजियों का गढ़ बोला जाता है महेंद्रगढ़ को, तो ये जो गढ़ बोला जाता है ये वास्तविकता है कि जिस प्रकार लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हाँ आए सब। तो ये आप भावुक क्यों हो गए? भावुक एक यंग बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है ना, वो एक्सपायर हो गया भाई, भगवान को प्यारा हो गया, और पूरा काम सता पूरे एरिया जाता है, इसलिए मेरे को दुख बहुत है। कैसे स्वभाव में कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही पूरे गांव को चाहने वाला था, और गांव के भी उनको चाहने वाले। हाँ चाहने वाले बिल्कुल, तभी तो आए हैं, ऐसे नहीं आते, कोई भी नहीं आता, कौन आए, ये बात। तो अभी अंतिम दर्शन किए जाएंगे यहाँ पर? हाँ अभी गांव की फेरी है पूरे, अब उसके बाद में अंतिम होगा यहाँ दाफन का जी। खाली हमने जगह साफ करवाई है, नहीं तो खसरा था यहाँ पर। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भावुक हैं क्योंकि खुद भी पूर्व फौजी हैं, फौज में जो है देश की सेवा की है, फौज की नौकरी की है, तो ये समझते हैं उन भावनाओं को कि किस प्रकार जो है एक फौजी को तैयार किया जाता है, देश के प्रति भावना उनमें कूट कूट के भरी जाती है। तो अभी एक जानकारी हमें यहाँ मिली है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में मौजूद हैं, जहाँ पर हम फिलहाल मौजूद हैं, जहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद फौजी का, ये शमशान भूमि नहीं है, शमशान भूमि इससे अलग है, लेकिन यहाँ पर अंतिम संस्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा फौजी का। सरपंच स्मारक बनाने की? हाँ स्मारक पूरे गांव की रजा? हाँ पूरे गांव की, पूरा हाँ सभी पूरा गांव। तो इनकी जगह मूर्ति स्थापना? हाँ मूर्ति, हाँ प्रतिमा का नाम? प्रतिमा, हाँ बिल्कुल, तभी ये जगह सुनी है हमने, इसीलिए जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम है अपने वीर के प्रति, अपने गांव के लाल के प्रति, लोगों का और पूरे गांव का, कि यहां पर जो है जगह निश्चित की इन्होंने कि यहां पर अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद यहां पर जो है उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और शहीद स्मारक जो है बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां और जो है युवा उनको हर रोज़ दर्शन कर सकें और कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा ले सकें। तो गाँव के बुज़ुर्ग बैठे हैं और ज़्यादातर क्योंकि फौजियों का गाँव बताया गया है, तो इस गाँव में फौजी भी बहुत मिलेंगे आपको, जो एक्स सर्विस मैन, सभी से बातचीत करेंगे ये क्या कहते हैं, और कहीं ना कहीं दुख जरूर है ये कि जरूर कहना चाहेंगे, लेकिन गर्व भी है इन्हें अपने लाल पर, अपने गांव के लाल पर, वीर सपूत पर, क्योंकि उन्होंने देश करो जो लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा करते करते अपने प्राण गंवाए हैं, जो शहीद हुए हैं जी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है ये, हमारे महेश कुमार सिंह शेखावत जो आज शहीद हो गए, इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माँ भारती इनको अपने चरणों में स्थान दे, इस परिवार को, हमको सभी को इस दुख घड़ी से उभरने का हिम्मत दे, शक्ति दे। आज बहुत ही इस इलाके की क्षति हो गई है, ये कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। महाराज जी आप इस वार्ड से पार्षद हैं, जिला पार्षद, तो कुछ
आपके द्वारा भी कोई मांग की जाएगी, प्रस्ताव दिया जाएगा कि यहाँ पर स्मारक बने या फिर स्कूल का नाम या फिर कोई अगर संस्था बन रही है गांव में उसका नाम अपने जो है शहीद महेश सिंह शेखावत के नाम से किया जाए या सड़क मार्ग का नाम किया जाए कुछ इस प्रकार से? देखो वो तो अभी प्रक्रिया का पता लगेगा, जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से तो दाह संस्कार होगा ही और जो होगा उसके हिसाब से हम अपने मांग पत्र रखेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश की जाएगी कि उनके जो नाम इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाए। बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में तो जुड़ ही गया। बिल्कुल, और स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाए उनका नाम। जय हिंद जय भारत। जी बाबा क्या नाम? बागीर सिंह, पूर्व जिला प्रमुख सतनाली। पूर्व जिला प्रमुख सतनाली, तो आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम मौजूद हुए? हाँ, सारा इलाका, सारे फौजी श्रद्धांजलि देने आए हैं, दुख प्रकट करने आए हैं। और एक तो हमारे बीच से ये छोटी उम्र में ही शहीद हो गया, और एक हमें इलाके को गर्व भी है भाई, अपनी देश सेवा करते हुए हमारा वीर सबूत देश में काम आया, शहीद हुआ। हमारी इलाके की ये मांग है, इन शहीदों का मान सम्मान करते हुए इनके नाम से स्टेडियम हो, स्कूल का नाम हो, या कुछ न कुछ ऐसा नाम हो जिससे बच्चे देखेगा हमारे भाई शहीद होने पर उनका ये उनकी याददाश्त बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, पीढ़ियों प्रेरणा लें इस बात से कि भी हम भी फौज में हो, हम भी देश में काम आए और हमारा भी नाम हो। तो ये देख सकते हैं वीर शहीद महेश सिंह शेखावत के पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए राजकीय सम्मान के साथ लेकर आया जा रहा है, और चारों तरफ नजारा देख लीजिए, माहौल देख लीजिए कैसा देशभक्ति हो, चारों तरफ जो है देशभक्ति के उद्घोष लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार जो छतों पर महिलाएं हैं, किस प्रकार जो छतों के ऊपर महिलाएं हैं, जो है लड़कियां हैं, ऊपर से जो है अंतिम जो है दर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश जो कर रही है। जी क्या नाम है? मेरा डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत नाम है, सतनाली गांव से हूँ। सतनाली से आए? हाँ जी। डॉक्टर साहब, सारा अपना काम धंधा छोड़ के आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच गए? अरे भाई, शहीदों से बड़ा कुछ नहीं होता, मैं खुद भी बीएसएफ में रहा हूँ और मुझे पता है कैसे एक देश के लिए जवान जान देता है तो उसकी क्या कुर्बानी कितनी बड़ी होती है, क्योंकि शहीद से बड़ा देश के अंदर कोई नहीं होता। शहीद भगत सिंह से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तो इसने तो हमारे देश का, गांव का, एरिया का नाम रोशन किया है। और बहुत अच्छे इंसान थे, कमांडो रहे ये, एनएसजी में काफ़ी टाइम इन्होंने किया है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था और पूरे गांव को इनके ऊपर नाज है, हमें इन पर नाज है। भारत माता की जय। जी, इधर महिलाएं भी है। जी 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 जी, क्या नाम है? रुचि। कहाँ से हो? यही गढ़वा। हाँ जी, विद्यालय से। जी, तो आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे? हाँ जी। इतनी जो बड़ी संख्या महिलाओं की, छतों पर महिलाएं हैं, जो लड़कियां अक्सर बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही देशभक्ति देखने को मिली। देखिए, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, देश के लिए शहीद हुआ एक वीर है, और ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। मैं मानती हूँ, उन माताओं को सभी को सलाम है, क्योंकि ये दिखाती है हमारे देश पर न्यौछार होने वाले, कोई आम व्यक्ति हो तो उसमें कौन आएगा, लेकिन देश पर न्यौछार होने वाले व्यक्ति को इतना सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ये माताएं, इन्हीं वीरों को ये माताएं पैदा करती हैं, आज उसको अंतिम विदाई देने के लिए भी आई है, अंतिम दर्शन के लिए सभी मौजूद जी, पूरा हुजूम उमड़ा हुआ जी। तो एक देशभक्ति का उद्घोष आपके मुख से सारी माताओं के साथ बोल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भाई महेश अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की। तो जड़वा गांव में लगातार सुबह से मौजूद हैं, क्योंकि
शहीद महेश सिंह शेखावत का आज अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो चुका है। अभी भी लोग मौजूद हैं, हुजूम वैसा का वैसा है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मौजूद थे। अभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनके बटालियन के जो अधिकारी से बातचीत करवा दी। तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम? रघुवीर सिंह। तो आप मौजूद हुए श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है, ये जो हादसा हुआ है, हर व्यक्ति को बड़ा दुख है इसका। और जैसे भी गांव में पूरा समाज है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, शहरों से हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं भाई महेश जी को। तो हम भी अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आज आप मौजूद हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं पुलिस प्रशासन के अलावा वैसे अन्य विभागों के अधिकारी बहुत कम ऐसी चीज़ों में जो शामिल हो पाते हैं। नहीं नहीं, ये फर्ज बनता है, प्रशासन का फर्ज बनता है भाई, ये बॉर्डर पे जो हादसा हुआ है, ये सभी के लिए एक दुखद है। सब हर आदमी को ये श्रद्धांजलि देने के लिए आना चाहिए। कहीं ना कहीं गर्व का क्षण भी है आप लोगों के लिए दुख के साथ साथ, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वहाँ के वीर सपूत जो देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं हंसते हंसते वो भी। हाँ, हमारे देश के जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वैसे अब एक आदमी को जाने से परिवार पूरा दुखी हो जाता है, समाज दुखी हो जाता है, गांव दुखी हो जाता है, और आने वाले टाइम में परिवार पर बहुत बोझ सा पड़ जाता है। नहीं, आपकी तरफ से जो शहीद परिवार, उसके लिए हमेशा जो है दरवाजे खुले हैं, कोई भी ज़रूरत होगी आपकी? हमारे लिए प्रशासन से कोई भी काम है शहीद परिवार का, वो बेझिझक आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, वो काम हो जाएगा, तवज्जो दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल, पूरी प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। जी, तो और साहब क्या कहेंगे? देखिए, आज शहीद महेश को श्रद्धांजलि देने पूरे इलाके के सभी गणमान्य मौजूद लोग यहाँ उपस्थित हैं। शायद कोई आसपास इलाके का कोई गांव ना होगा जिस गांव का व्यक्ति मौजूद लोग यहाँ शामिल ना हुआ। प्रशासन की तरफ से हमारे तहसीलदार साहब अभी आपको बता रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से है। और जैसे ही कल गांव में खबर मिली तो पूरे जड़वा गांव में कल से अभी तक गांव में चूल्हा नहीं चढ़ा है, किसी ने खाना नहीं खाया है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा गांव शोक सम्मत है, और हम सब भी इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ हैं। मेरे तो परिवार के सदस्य के साथ साथ रिश्तेदार भी थे, और इनके बड़े भाई भी आर्मी में थे, वो सेवानिवृत्त होकर अभी सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। ये मेरे गांव बास खुडाना में इनके ससुराल है। तो हमारे गुलाब सिंह साहब हैं, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ऐसा है कि पूरी फैमिली देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगी हुई है, जिसको देखते हुए आप देख रहे हैं पूरे इलाके के गांव गवांड के लोग कितने यहां पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से शहीद महेश जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, और हमें बड़ा दुख और गर्व महसूस करते हैं कि इस बच्चे ने हमारे देश के लिए जान दी, हमारा सबका नाम रोशन किया, इलाके का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हमारे जी क्या सरपंच साहब हैं, ऊपर से देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है, और मेरे तो गवांड के नहीं बल्कि मेरे परिवार के रिश्तेदार मेरे नाते में बैंड हुए लग रहे थे। और मैं तो भगवान से विनती करूँगा, परमात्मा इस परिवार को सहन करने की शक्ति दे, इनकी आत्मा को शांति। तो तमाम जो है लोगों से बातचीत करवाई, कहीं ना कहीं दुख है लेकिन गर्व भी है, क्योंकि गांव का वीर सपूत, गांव का लाल आज देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। अभी जो है मुखाग्नि दी जा रही है, राजकीय सम्मान हो चुका है, उनके बटालियन के तमाम जो है लोग यहां पर मौजूद हैं, उनके अधिकारी मौजूद हैं बटालियन से, और बड़े राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार अभी किया जा रहा है, मुखाग्नि दी जा रही है। उससे पहले जो है तमाम अधिकारियों द्वारा, तमाम जनता द्वारा जो उनको नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई है, पुष्प गुच्छ उनको चरणों में अर्पित किए गए हैं, और जो है अंतिम दर्शन उनके किए गए हैं। इससे पहले हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सतनाली से यहाँ तक, यानी कि 6-7 किलोमीटर लगातार जो है लोग पैदल चले हैं, जो है देशभक्ति के नारों से उद्घोष करते हुए जो उनके सम्मान में उनके साथ साथ आए हैं अंतिम यात्रा के। उसके बाद गाँव की फेरी लगाई गई है अंतिम यात्रा, अभी जो है मुखाग्नि दी गई है। तमाम तस्वीरें देखेंगे, अब भी वही लोग वैसा का वैसा जो है हुजूम यहाँ खड़ा है। सर, बटालियन से आए आप? नहीं, ये जो पार्टी हमारी आई है दिल्ली से आई है, दिल्ली से आई है। ये एक तारीख का इंसिडेंट था, ऑन ड्यूटी, ये ड्यूटी के दौरान थे 79 बटालियन नंबर सिंह कलम में, श्रीनगर में। और ड्यूटी के दौरान जो हादसा हुआ,
उसके बाद में काफ़ी कोशिश की पूरे जवानों ने, अधिकारियों ने, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए उसमें। उसके बाद में कल इनकी बॉडी बाई एयर आई है एयरपोर्ट से और दिल्ली से पार्टी सम्मान देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक पार्टी लेके यहाँ पे कल रात को आए थे और सत्यनाले में पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट की। उसके बाद में वहाँ से लेकर अभी तक जितना लोगों का सहयोग रहा पूरा हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सर इतना हुजूम देख रहे हो, एक सेना के प्रति और वीर सैनिकों शहीदों के प्रति ऐसा सम्मान कैसा लग, कैसा महसूस होता है कि लोग और जनता कहीं ना कहीं प्रति सेना के प्रति जुड़ाव है, भावना है देशभक्ति की? दक्षिणी राजस्थान में और ये जो अपन दक्षिणी हरियाणा यहाँ पे जो सिक्योरिटी बेल्ट से जुड़ा हुआ इलाका है तो यहाँ पे सैनिक आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, यहाँ पे घर घर में यहाँ पे सैनिक हैं जी, वो सम्मान करते हैं और जिस तरह लोगों का प्यार रहा तो नए जो जनरेशन हमारे उसके ये आइकॉन रहेंगे और लोगों ने जितना सहयोग, जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है तो डेफिनेटली परिवार का वो कमी तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन एक उत्साह मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स ऑन ड्यूटी मिलते हैं वो सारे बेनिफिट दिए जाएंगे जी। या उसमें जैसे बटालियन की तरफ से पूरा जो शहीद परिवार के साथ सहयोग रहेगा हमेशा के लिए, जो सहयोग ऑन ड्यूटी पे होता है, ऑन ड्यूटी पे जब कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, जिसी तरह का और उस पर ऑन ड्यूटी किसी की जान जाती है तो उसमें जो बेनिफिट डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं वो सारे बेनिफिट जाएंगे, चाहे पेंशन के हो चाहे और दूसरे भी बेनिफिट हैं, वो सारे बेनिफिट डिपार्टमेंट परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इनकी शहादत को हम सम्मान करते हैं, इनकी गाँव के प्रति जो विशेष कर्म देखा युवाओं में और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला ये मतलब हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि जिस तरह से यहाँ राष्ट्रवाद और लोग तिरंगे को और जवान को, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा है तो जिस तरह सम्मान यहाँ देखा वो देखे हमें भी अच्छा लग रहा है कि उस जान तो वापस नहीं आ सकती लेकिन जिस तरह से लोगों का सहयोग और प्यार मिला उसके लिए एरिया के इलाकों को जितने भी लोग हैं गाँववासियों को आसपास के इलाके को सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशासन को जो सहयोग रहा पुलिस की तरफ से तहसीलदार साहब तरफ से और सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर, जय हिंद जय हिंद। तो ये जो है बटालियन थी जो पार्टी दिल्ली से आई थी उनके जो है पार्थिव शरीर के साथ है और पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, सभी ने श्रद्धांजलि भी दी है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जो भावना है सेना के प्रति, शहीदों के प्रति, ये इसी प्रकार बरकरार रहे और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आज दुखी भी है लेकिन गर्व का क्षण भी है कि वीर शहीद महेश सिंह शेखावत देश की सेवा करते करते जो है अपने प्राण निछावर कर दिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।